आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत सभी अयोध्या में नियुक्त राजप्रति अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही अच्छी उच्च स्तर की पुलिस अरेंजमेंट यहाँ पर करा सकें। विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको बिना किसी परेशानी के रिस्पांस मिल सके, उन्हीं की भाषा में जवाब मिल सके। विभिन्न अतिथिगण रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरकर भी यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। उन्हें उनके रुकने के स्थान, गंतव्य तक का पूरी जानकारी पूर्व से दी जा सके। आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत सभी अयोध्या में नियुक्त राजप्रति अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में मेरे अलावा हमारे यहाँ के आईजी और एसएसपी भी उपस्थित थे और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम सारे पक्षों पे विस्तृत समीक्षा कर लें, जिससे कि आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही अच्छी उच्च स्तर की पुलिस अरेंजमेंट यहाँ पर करा सकें और जो कहीं भी कमियां हों, जो दिक्कतें हों, जो सुझाव हों, सभी थानाध्यक्षों से प्राप्त कर उस पर भी हम आवश्यक निर्णय ले सकें। तो बड़े विस्तार से समीक्षा की गई सारे कार्यक्रम स्थलों के बारे में, हमारे जनपद के बारे में, विभिन्न मार्गों पर कहां कहां पर पुलिस की ड्यूटी लगनी है, आने वाले जो आगंतुक यहां पर हैं उनको कहां कहां पर हमें हेल्प डेस्क प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार की उनकी समस्याएं हो सकती हैं, उनका कैसे हम निदान कर सकते हैं। विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको बिना किसी परेशानी के रिस्पांस मिल सके, उन्हीं की भाषा में जवाब मिल सके। विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ पर साइनेजेस लगाए जाने हैं, बोर्ड्स लगाए जाने हैं, उन साइनेजेस और बोर्ड्स को हम विभिन्न भाषाओं में तैयार कर लें, उनकी कंटेंट क्या होनी चाहिए, यदि कहीं किसी प्रकार के जो पूर्व से लोग आकर 14 तारीख 15 तारीख या मकर संक्रांति के बाद से यहाँ पर आते हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो, जो आए दर्शन करके जाना चाहते हैं। कई स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जारी हैं, ट्रांजिट पॉपुलेशन काफी संख्या में जनपद में होकर रोजाना जो है आती है, दर्शन करती है, जाती है, लेबर आते हैं, उन सब का लगातार सत्यापन होता रह सके। हमारे जो पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जिलों से पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, पीएसी हमारी जो है, वे लोग जो ड्यूटी के लिए आएंगे उनको भी इतनी सर्दी में ड्यूटी करते समय कोई परेशानी ना हो, उनके रहने के स्थानों पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। और जो हमारे मीडियाकर्मी हैं उनको भी, चूंकि इसका कवरेज करने के लिए न सिर्फ अयोध्या से बल्कि बाहर के जनपदों से भी आएंगे, उनको उनके कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो, यदि उनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं तो हम उनको आज आपस में तय करके उनको पुनः आपको एक साथ बैठकर उन पर विचार विमर्श कर सकें। और जो यातायात प्रबंधन, जो हमारे वाहन अन्य स्थानों से आएंगे, विभिन्न अतिथिगण रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरकर भी यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें उनके रुकने के स्थान, गंतव्य तक का पूरी जानकारी पूर्व से दी जा सके। इन सब बातों के बारे में आज विचार विमर्श किया गया।